एशिया कप की मेजबानी जाने के डर से बौखला गया पाकिस्तान। पीसीबी चीफ ने दे डाला बेतुका बयान। पाक का प्लान जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं शुभम और बात करेंगे जो पाकिस्तान में एशिया कप की मेजबानी को लेकर विवाद चल रहा है। आखिर ये विवाद किस ओर जा रहा है? कई बार पीसीबी चीफ नजम सेट्टी ने तो ये भी तक कह दिया है कि अब अगर टीम इंडिया एशिया कप खेलने भारत नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी। और फिर आता है हाइब्रिड मॉडल। टीम इंडिया या बीसीसीआई ने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया जिसमें टीम इंडिया अपने सारे मैच पाकिस्तान से बाहर खेलेगी, लेकिन इसे भी अब पीसीबी ने दरकिनार कर दिया। उन्होंने एक नया हाइब्रिड प्लान लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप में ये लागू होता है तो वर्ल्ड कप में भी यही लागू होना चाहिए। वो अपने सारे देश मैच बांग्लादेश में खेलना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यही हाइब्रिड मॉडल उस वक्त भी लागू होगा जब 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें पीसीबी चीफ नजम सेट्टी ने कह दी हैं। क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ और कैसे कैसे इस मामले में आगे बढ़ रही है बात वो भी बताता हूँ। एशिया कप मेजबानी से इस विवाद की शुरुआत होती है। पहले बीसीसीआई चाहता है कि टीम इंडिया किसी भी सूरत पर पाकिस्तान खेलने न जाए, लेकिन पीसीबी हर हाल में चाहता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने जाए ताकि उनके रेवेन्यू हो या कहें आर्थिक सुधार हो सके। अब मामला पहुंच गया एसीसी काउंसिल तक, यानी कहें एशियन क्रिकेट काउंसिल तक। एसीसी ने कह दिया कि ठीक है, हाइब्रिड तरीके से भी पेश किया जा सकता है एशिया कप को, यानी टीम इंडिया अपने सारे मैच बाहर खेले और बाकी मैच टीमें अपने मैच पाकिस्तान में खेलें, और जब फाइनल में अगर टीम इंडिया और पाकिस्तान का सामना हो तो फिर ये फाइनल भी बाहर खेला जाए। लेकिन इसके बाद तीसरी थ्योरी आती है, यानी ये मैच श्रीलंका में खेले जा सकते हैं। इस पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि अगर हाइब्रिड तरीके से खेलना है तो एक नया प्लान वो लिया कि शुरुआत का पहला चरण यानी शुरुआत के 4 से 5 मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएं, उसके बाद ये सारे मुकाबले किसी दूसरे देश में खेले जाएं। लेकिन इस पर भी एसीसी तैयार नहीं हुआ, ना ही पीसीबी तैयार हो रहा है। लेकिन पीसीबी एक और प्लान लेके आ गया। पीसीबी ने कहा अगर ये हाइब्रिड वर्जन आपको एशिया कप में लागू करना है तो ये हाइब्रिड वर्जन वर्ल्ड कप में भी लागू होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में भी लागू होगा। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम इंडिया में ना खेलकर बांग्लादेश में अपने सारे मैच खेलना चाहती है, और जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी उस दौरान टीम इंडिया अपने सारे मैच पाकिस्तान में न खेलकर बाहर खेल सकती है। लेकिन अब तक इस पर कोई सहमत नहीं बन पाई है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ नजम सेट्टी की खुद की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जो वर्ल्ड कप को लेकर खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। इस साल इंडिया में आयोजन है और कहने के 19 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप शेड्यूल की बात की जाए तो आईपीएल के जस्ट बाद बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो वर्ल्ड कप की खबरें आ रही हैं उसमें 5 अक्टूबर को तो टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा, लेकिन 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। और ये मैच कहाँ खेला जाएगा ये भी बीसीसीआई ने लगभग निश्चित कर दिया है। बीसीसीआई ने बताया कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद में मैच का आयोजन होगा, क्योंकि इस मैच में भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठने की क्षमता यानी कैपेसिटी 1,30,000 है। ऐसे में इतने बड़े स्टेडियम में ही इतने बड़े मैच का आयोजन होना चाहिए, ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अहमदाबाद स्टेडियम में ओपनिंग मैच जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वो भी हो सकता है, और साथ ही वर्ल्ड कप का फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये तमाम सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन टीम इंडिया ने एक प्लान भी बनाया है। टीम इंडिया का प्लान है जो उनके मैच हैं वो जो विदेशी टीमों से खेलेंगे उस मैचों को वो लगभग स्पिन फ्रेंडली पिचों पे खेलना चाहेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में, ऐसे ही बाकी टीमों के खिलाफ प्लानिंग तैयार की जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया साल 2011 की तरह 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।